नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ घर के ही अनाज। जैसे हम सभी जानते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद वह उनकी इच्छा पूर्ति भी कर देते हैं। भगवान शिव को बहुत छोटे छोटे चीजों से खुशी मिलती है, जिसकी वजह से भक्तों को वह छोटे छोटे वरदान यानी कि जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं। जानते हैं कि कौन से अनाज भगवान शिव पर चढ़ाने से आपको क्या मिलता है। नंबर एक, चावल। अगर आप भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं और अपने घर में धन चाहते हैं तो उसके लिए आप भगवान शिव पर चावल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि चावल हमारे घर में या हमारी पूजा में सबसे ज्यादा सम्मिलित होता है। हम सभी जानते हैं, जब भी हम रोली से तिलक करते हैं तो तिलक लगाने के बाद चावल को लगाना सबसे अहम बात होती है। तो यदि आप भगवान से धन की प्राप्ति चाहते हैं तो धन की प्राप्ति करने के लिए भगवान को चावल अर्पित जरूर करें। नंबर दो, तिल। हमने अक्सर देखा है कि हमारे दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं, हमारे ही आसपास रहने लगते हैं और हमारे दुश्मन हमसे जलना शुरू कर देते हैं। यदि आपके शत्रु भी ज्यादा हैं और आप चाहते हैं कि उन शत्रुओं से पीछा छुड़ाना, तो भगवान को तिल अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव शत्रुओं का नाश करते हैं यदि आप तिल अर्पित करते हैं, और आपके जीवन में सुख आएगा और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि आपके आसपास या आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है तो उसके लिए भी आप भगवान शिव को तिल अर्पित कर भगवान शिव से शत्रुओं का नाश करने की प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर तीन, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों की संतान नहीं होती और संतान ना होने पर उन्हें उस चीज का गम खाए रहता है। यदि आपके घर में भी ऐसा कोई गम है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है और उसे फेस करना पड़ रहा है, फेस करने के बाद आप ज्यादा खुश नहीं हैं, तो आप भगवान शिव को गेहूं अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं भगवान के रूप में हम बच्चे को ही अपनाते हैं। यदि आपके घर में भी संतान की कमी है तो आप भगवान को गेहूं चढ़ा सकते हैं। शादी को कई साल हो चुके हैं फिर भी आपके संतान नहीं है या फिर संतान होने में प्रॉब्लम होती है, उन चीजों को भी आप दूर कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा करने पर। भगवान शिव की पूजा श्रावण में पूजा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और आपके जितने भी पाप हैं उन्हें पुण्य में बदल देते हैं। और क्या पता, यदि आप भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करें और गेहूं अर्पित करें तो आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान की खुशी जल्दी मिले। नंबर चार, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए आपको सुबह शाम पूजा करनी होगी। सुबह शाम आपको खास नियमों से पूजा करनी होती है, जैसे सुबह स्नान करने के बाद आपको सफेद वस्त्र पहनने होंगे और सफेद वस्त्र पहनने के साथ साथ भगवान की आराधना करनी होगी। खास ख्याल रखें कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ आपके आंगन में बैठे हों, तब ही उनकी पूजा करें, जैसे माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश, और नंदी भी इसी परिवार के शामिल हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में हर तरह से जितनी भी गम है या फिर जितने भी दुख हैं उन सबको दूर कर सकें, तो आप भगवान शिव की पूजा जरूर करें। खास ख्याल रखें कि आप सुबह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा करें और शाम को पश्चिम की तरफ अपना मुख करके पूजा करें, क्योंकि जब सूरज उगता है तो आपके जीवन में नई किरण लेकर आता है और जब सूरज डूबता है तो आपने जितने भी कार्य किए हैं उन चीजों को याद करके और जितने भी पाप किए हैं उन चीजों की क्षमा मांग कर पश्चिम की तरफ अपना मुख करके पूजा करें। ऐसा करने से भगवान शिव भी खुश होंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी ही होगी। नंबर पाँच, यदि आप भगवान को खुश करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, तो आप पंचामृत से भगवान शिव पर स्नान कराएं, जैसे कि दूध, दही, घी, जल और शहद। ये पाँच चीजें आपको जल में मिक्स करके भगवान शिव को अर्पित करनी है। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी ही खुश होंगे और उस दौरान आप भगवान के भजन भी कर सकते हैं, की वजह से आपके जीवन में सुख की अनुभूति होगी और आपको वह खुशियां मिलेंगी जिसकी आप हमेशा चाहत रखते हैं। तो चाहत ना रखें, कार्य करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि कार्य करते जाइए, कभी भी फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कार्य करने वाला बंदा कभी भी फल की इच्छा नहीं करता तो उसके काम जल्दी ही हो जाते हैं। और यदि आप पहले ही सोचोगे कि ये कार्य करने से हमें कौन सा फल मिलेगा तो आपका वह कार्य असफल माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि भगवान शिव की पूजा करते वक्त इन चीजों का खास ख्याल रखें और भगवान शिव के साथ भगवान के पूरे परिवार को
अपने साथ अपने घर विराजमान करें और उनकी ही पूजा करें। श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करना सबसे खास माना जाता है, क्योंकि श्रावण का महीना भगवान शिव का सबसे चहेता महीना माना जाता है, क्योंकि उसी दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष पिया था उसे शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने जहद अपनी कोशिशों में लगा दी, जिसकी वजह से भगवान शिव का जो गुस्सा था वह शांत हो गया और भगवान शिव ने जो विष निकला था वह अपने कंठ में समा लिया, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ। कल्याण होने के साथ साथ भगवान शिव को एक नया नाम मिला, जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय अपना सकते हैं और उपाय के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।